हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो लगभग 5 रीजन्स का, 4 या 5 रीजन्स का रिजल्ट आ चुका है मिनिस्ट्रियल स्टाफ या आपके यूडीसी का, बट रिजल्ट इतना अच्छा इम्प्रेसिव नहीं है इस साल। उसका कारण ये है, मेरे ख्याल से स्टेप मार्किंग नहीं हुई है। तो एक तो स्टेप मार्किंग है, उसके लिए तो सबसे रिक्वेस्ट करनी है कि सब स्टेप मार्किंग पे डिपार्टमेंट का फोकस होना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टेप मार्किंग इस बार नहीं हुई है। जो लोग क्वालिफाई नहीं हुए उनसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी कॉपी जरूर क्लेम कीजिएगा। एक आपको मालूम पड़ जाएगा स्टेप मार्किंग हुई है नहीं हुई है। दूसरी, डिपार्टमेंट में प्रेशर नहीं डाल सकते लेकिन कॉपी आप जरूर क्लेम कर सकते। एक मालूम पड़ जाता है इससे स्टेप मार्किंग हुई है नहीं, या फिर दूसरा पॉइंट है कि आपको अपनी मिस्टेक्स मालूम पड़ जाए। ठीक, अब डिपार्टमेंट की कीज वैसे तो ऑफिशियली नहीं रिलीज करते डिपार्टमेंट, बट मुझे कहीं से अरेंज हुई है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो वो कीज जो है उसमें थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है, तो उसके हिसाब से आंसर गलत होगा। और उससे स्टेप मार्किंग में बड़ा फोकस, मतलब स्टेप मार्किंग में काफी ज्यादा इम्पैक्ट आया होगा इस बार, तो इसलिए वो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। अभी मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट मुझे मालूम नहीं रिप्रेजेंट को कंसिडर करेगा कि नहीं, क्योंकि अपन लोग काफ़ी लेट हैं या फिर ऑफिशियल कीज़ आती ही नहीं है, तो इस पर चैलेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये थोड़ा सा अब रिजिड पॉइंट आ जाता है कि डिपार्टमेंट इसको कंसिडर करेगा या नहीं करेगा। मैं आपके संग डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या गलतियाँ मुझे लग रही हैं, मेरे हिसाब से क्या क्या गलतियाँ होनी चाहिए। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 100% करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, अब यहाँ पे ना ग्रेचुटी दी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ेंगे ना, मैं क्वेश्चन भी खोल लेता हूँ आपके सामने। ये रहा क्वेश्चन, ग्रेचुटी 30,000 रुपये का। ग्रेचुटी में हम लोग पढ़ते थे कि कितने साल काम किया उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती थी, 20 लाख अमाउंट रिसीव्ड और एक 15/26 करके कैलकुलेशन निकालते थे। यहाँ पे कितने साल एसएससी ने काम किया वो नहीं बताया। ठीक, तो यहाँ पे अब आपके पास दोनों ही ऑप्शन आ जाते हैं, या ग्रेचुटी को फुली टैक्सेबल मानिए, अज्यूम कर रहे हैं दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, दोनों ही आंसर करेक्ट है क्योंकि क्वेश्चन में डिटेल्स कम है। या तो उसको फुली टैक्सेबल मानिए 30,000 को, या फुली एग्जेम्प्ट मानिए, तो दोनों ही आंसर करेक्ट होना चाहिए। बट डिपार्टमेंट ने क्या किया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये एक्सेल शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा, जहाँ पे भी आप ये वीडियो देखना है उसके लिंक में प्लीज देख लीजिएगा। नहीं मिली हो तो आपके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 8359933663, इस पर प्लीज कॉल, इस पर प्लीज व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। चलिए, तो ये रिप्रेजेंट, अच्छा मैं आपको क्या क्या देने वाला हूँ इस वीडियो के संग, ये एक रिप्रेजेंटेशन देने वाला हूँ जहाँ पे आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल करनी है। वर्ड फाइल में आपको कॉपी करना है, एक्सेल पे मतलब एज इट इज टेबल को पेस्ट कर देना है, तो वो भी कर सकते हैं। और मैं आपको देने वाला हूँ डिपार्टमेंट के आंसर्स, ये डिपार्टमेंट के आंसर है पूरे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरे 8 तक। ठीक, चलो, तो डिपार्टमेंट से अपन को रिक्वेस्ट करनी है, शायद कंसिडर कर लिया जाए पॉइंट को। पहला, ग्रेचुटी जिन्होंने फुली 30,000 रुपये पूरा टैक्सेबल माना उनका भी आंसर करेक्ट है, जिन्होंने फुली एग्जाम्ड माना उनका भी आंसर करेक्ट है। ऑफिशियल आंसर कीज में इसकी जिक्र ही नहीं हुआ, ग्रेचुटी का कोई क्लू ही नहीं दिया हुआ, नोट वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लीजिंग ऑफ लाइट गुड्स व्हीकल क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, टू लाइट व्हील गुड्स लीज कर दिए गए हैं, लीज कर दिए गए हैं तो भी वो 44 AE के अंदर कंसिडर किया जाना चाहिए, बट डिपार्टमेंट ने इसको ऑफिशियल आंसर कीज में इसको अदर सोर्स की इनकम माना, जो मेरे हिसाब से गलत है। 44 AE में ही लाना चाहिए था इसको, 7500 पर, क्योंकि लाइट व्हीकल है, पर व्हीकल पर मंथ इंटू 12 ऐसे करके टैक्सेबल करना चाहिए था, 7500 × 2 × 12। तो ये वो नहीं किया वो डिपार्टमेंट में, मेरे हिसाब से इसको ऐसा करना चाहिए था। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का जो कैलकुलेशन है, मैं साथ साथ आपको कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ। ये डिपार्टमेंट का आंसर है, आई गेस आपको दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये डिपार्टमेंट का आंसर है, इसमें ना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, देख लेते हैं। ये आरपीएफ टू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ा हुआ है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के केस में ये बेसिकली परक्विजिट में आ जाता है, तो सॉरी एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जाता है, परक्विजिट सेक्शन 17(2) में भी इसको कंसिडर किया जाता है। इस केस में ना हम लोग लेते थे कि 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए, प्लस कमीशन प्लस अलाउंस है, ये भी कंसिडर किए जाते थे। तो इन लोगों ने क्या किया हुआ ना, केवल 12% ऑफ बेसिक कवर लिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो और पढ़ा देता हूँ मैं आपको। यहाँ लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 20% ऑफ बेसिक, एम्प्लॉयर ने 20% ऑफ बेसिक, मतलब ये आपका जो है 1,80,000 का 20% 36,000 पर डाला होगा। ठीक, अब 36,000 में से टैक्सेबल कितना होगा, 36,000 में से 10% ऑफ बेसिक डीए प्लस कमीशन, इसको हटा दीजिए, बचा वो टैक्सेबल हो जाता है। बट डिपार्टमेंट के आंसर की इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ पे इधर करना चाहिए था
1,80,000 20%, इतना पैसा एम्प्लॉयर ने लगाया है, उसमें से माइनस कर दीजिए 12% ऑफ बेसिक 1,80,000 प्लस 72,000 आपका डीए, आधा डीए ही लेंगे क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए आधा यहाँ लिखा हुआ है, 50% ही लेना है आपको। तो 1,44,000 का 50% 72,000 ही होना चाहिए, प्लस कमीशन भी लेनी चाहिए थी इसमें, ठीक। तो वो कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे, यहाँ मैं बिल्कुल भी अच्छे से चेक कर चुका हूँ उसको। सेक्शन 17(2) को आपको पढ़ना है और रूल 3 को पढ़ना है, वहां से आपको एक क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि कमीशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाले डीए को भी लिया जाता है। चलो तो ये एक गलती है इसमें, मतलब ये 3 गलती है क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 3 की बात कर लेते हैं, बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन जो की हुई है क्वेश्चन 3 में, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ना सैलरी या रेमुनरेशन 2,64,000 पे लिया हुआ, यहाँ पे कमीशन को भी लेना चाहिए था। रेमुनरेशन का मतलब होता है रेमुनरेशन, कमीशन या सैलरी, तीनों ही एक ही बात होता है, तो कमीशन को भी यहाँ लेना चाहिए था। 1,20,000 बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन में ही हिल जाएगा, डेफिनेटली स्टेप मार्किंग में इस पर असर आएगा आप देखेंगे तो, ठीक। तो ये लेना चाहिए था 1,20,000 पे जो कमीशन है। क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ आपको, ये जो कमीशन है 1,20,000 पे वो लेना चाहिए था, वो नहीं लिया वो डिपार्टमेंट ने। आगे बढ़ते हैं, ठीक। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस 20,000 पर, जो 20 क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। अब बेसिकली यहाँ क्या है, जनरल चार्जेस दिए हुए, जनरल एक्सपेंसेस 3,20,000 पर। अब उसके बाद क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला हुआ है कि जनरल चार्जेस में शामिल होता है नेशनल डिफेंस को डोनेशन दिया आपने 20,000 पर, इसका मतलब उसको खर्चा मान लिया गया है। खर्चा इसका जो डिडक्शन मिलना चाहिए था, आप NDF में पैसा डोनेट करेंगे तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक। बट आपको वो खर्चा नहीं माना जाएगा, तो खर्चा नहीं माना जाएगा P&L में, खर्चे में से आप इनकम में से माइनस कर चुके, खर्चा इसको मान चुके हैं तो उसको हटाना चाहिए था यहाँ पे, इसको एडजस्ट करना चाहिए था डोनेशन को, बट इन्होंने डोनेशन को एडजस्ट नहीं किया हुआ, तो वो एक इम्पैक्ट इस पे आएगा, ठीक। गलत है उस हिसाब से आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेम ऐसे ही रिलेटिव को सेल करिए, क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। रिलेटिव को सेल करा है, सेल एंट्री इंक्लूड्स 20,000 सॉरी 2,00,000 रुपीज फॉर गुड्स सोल्ड टू रिलेटिव ऑफ रोमी, द मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स इज 2,40,000। ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, ए ओ चाहे तो इसको बढ़ा सकता है। आपने 2,40,000 वाला माल 2,00,000 में दे दिया रिलेटिव को, 40,000 रुपये से अपनी इनकम कम दिखाई, तो यहाँ पे ऐसा माना जा सकता है इनकम टैक्स छुपाने के लिए आपने 40,000 रुपये कम दिखाया, इसको इनकम मानना चाहिए था 40,000 रुपये, ये एडजस्टमेंट होना चाहिए था। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सारे फेयर वैल्यू पे होना चाहिए था, तो ये सेल 2,40,000 रुपये होनी चाहिए थी, आपने सेल सेल इनकम होती है 2,00,000 पे दिखाई है, गलत है, ठीक। तो इसका एडजस्टमेंट भी बुक प्रॉफिट या PGBP इनकम निकालते समय डेफिनेटली होना चाहिए था, ठीक। तो ये 3 गलती है क्वेश्चन 3 में भी है। क्वेश्चन 4 की बात कर लेते हैं, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, ठीक। अब क्वेश्चन 4 में ना एक पंगा हो गया, एक क्या पंगा हो गया साहब, कि क्वेश्चन 4 में अर्बन लैंड थी, अर्बन लैंड का कैपिटल गेन था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और कुछ इक्विटी शेयर्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था, वो एडजस्ट हो चुका था। अब अर्बन अर्बन लैंड का जो गेन है वो बचता है आपका 10,000 रुपये, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अभी दिखा भी देता हूँ मैं आपको। ये आ रहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ अर्बन लैंड, इसमें इक्विटी शेयर का कुछ एडजस्ट हो चुका था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्बन लैंड का 10,000 रुपये बचता है, ठीक। अभी 10,000 रुपये पे हमको 20% टैक्स है, LTCG नॉर्मल वाला है, शॉर्ट टर्म के सॉरी इक्विटी शेयर्स पे होता है जिसपे 112A लगता, STT पेड होता तो हम 10% टैक्स पे करते, बट यहाँ पे तो आपको 10% नहीं 20% पे करना है। बट आप क्वेश्चन देखेंगे ना उसके सॉल्यूशन में इसको 10% लिया हुआ है, यह लिया हुआ इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, ये बिल्कुल ठीक है, 10,000 पे 20% लगना चाहिए, तो नॉर्मल LTCG है, यहाँ पे 2,000 रुपये लिया हुआ है सॉरी 1,000 पे लिया हुआ है, ये 2,000 पे होना चाहिए था। आई गेस आपको दिख रहा है ये गड़बड़ है, ये चेंज होना चाहिए डिपार्टमेंट के आंसर में, ठीक। दूसरा, ग्रॉस टोटल इनकम इन ऑफिशियल सॉल्यूशन इज मिसप्रिंटेड, इट शुड बी, यहाँ पे जो ग्रॉस टोटल इनकम दी हुई है 5,27,100 रुपये, ये गलत है, ये 4,96 होना चाहिए था। आप टोटल करेंगे ना सबका 4,96 आएगा, 2,18,000 प्लस 2,68,000 प्लस 10,000, 4,96 आना चाहिए था, ये गलत है। तो यदि कोई डिपार्टमेंट का बन सॉरी जो भी आंसर शीट चेक कर रहे हैं वो उन्होंने गड़बड़ कर दी, ये GTA मिलाने में तो दिक्कत आ जाएगी, तो ये मिसप्रिंट है, बहुत बड़ी नहीं है बट मिसप्रिंट है। डिपार्टमेंट की आंसर की इसमें लिखा हुआ है कि जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, हमने पढ़ा हुआ कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस करंट ईयर की अदर इनकम से 2,00,000 रुपए तक एडजस्ट हो चुका है, हो सकता है बचा हुआ लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले साल हाउस प्रॉपर्टी इनकम में से सेट अप हो सकता है, बट यहाँ डिपार्टमेंट के आंसर की बोलिए कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो ये गलत है,
20,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अविनाश। यहाँ पे कहीं पे भी टोटल सॉरी टैक्स निकालने के लिए नहीं बोला, बट जो सॉल्यूशन आप देखेंगे ना, मैं दिखाई देता हूँ आपको, सॉल्यूशन में आप देखेंगे तो टैक्स भी कंप्यूट किया हुआ है। अब आप बोलेंगे ये तो ज़्यादा कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन इससे स्टेप मार्किंग पर असर आता है। जो भी सपोज मैं होता इस जगह, तो मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर छोड़ा था GTA तक निकाल के। ये पोर्शन यदि एग्जामिनर चेकर को नहीं दिखेगा तो फिर वो मेरे मार्क्स काट सकता है, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है कि टैक्स पूछा ही नहीं है तो सॉल्यूशन में भी नहीं होना चाहिए था। ये स्टेप मार्किंग में जरूर इम्पैक्ट डालेगा। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। सेम ऐसा ही है कि क्वेश्चन 5, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 5 जो है वो केवल पूछ रहा है आपसे डिडक्शन की कैलकुलेशन के ऊपर। यहाँ पे कहीं पे भी आपसे टैक्स की कैलकुलेशन या टोटल इनकम की कैलकुलेशन नहीं मांगी हुई, बट जो सॉल्यूशन है ना उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन और टोटल इनकम की कैलकुलेशन दी हुई है, जो स्टेप मार्किंग में बहुत असर डालेगी, ठीक। तो ये मेरे हिसाब से गलत है, डिपार्टमेंट को उस पर एक रिव्यू जरूर लेना चाहिए, ठीक। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग क्वालिफाई नहीं हुए प्लीज अपनी कॉपी जरूर क्लेम कीजिएगा, ठीक। चेंजेस ना भी हुए तो भी फिर भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 दूसरा। यहाँ पे जो NPS की कैलकुलेशन है ना वो गलत दिखाई है। इन सैलरी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो NPS में होता है, हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकल देखेंगे ना या लॉ में भी देखेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूट किया NPS में वो पहले सैलरी का पार्ट बना दिया जाता है, परक्विजिट का पार्ट बना दिया जाता है। फिर सेक्शन 80 CCD 2 में उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, अप टू 10% ऑफ सैलरी, इसमें बेसिक भी लिया जाता है, क्लियर है। अब इस केस में क्या हुआ है ना, डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल आंसर की इसमें थोड़ा सा गलत दिखाया हुआ है। मैं आपको सैलरी वाले पार्ट में ले चलता हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1,95,000 पे कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर ने, क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। ₹1,95,000 कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉय ने सेम, ठीक। तो यहाँ पे 1,95,000 जो है, ठीक, 1,95,000 रुपये ही टैक्सेबल होना चाहिए था यहाँ पे सैलरी में, बट यहाँ पे 1,95,000 टैक्सेबल नहीं किया, केवल 65,000 पे किया हुआ, तो वो गलत है, ठीक। अब डिडक्शन क्लेम करते समय यहाँ पे बिल्कुल सही किया हुआ है कि डिडक्शन 1,95,000 है, बट उस पर लिमिट होती है 10% ऑफ सैलरी, वो यहाँ पे सही कंप्यूट किया हुआ है। यहाँ पे 1,95,000 रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ बेसिक प्लस DA, ठीक, बेसिक प्लस DA का 10%, जो कि 1,30,000 पे आता है, गिवन 1,95,000 पे जो कंट्रीब्यूट किया इस 15% ऑफ सच सैलरी, ठीक है। 15% और कोई नहीं, हम 10% तक ही अलाउ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ 50,000 विच एवरेज लेस। अब यहाँ पे मिला क्यों दिया था, 50,000 की लिमिट 80 CCD 2 में नहीं होती, 80 CCD 1B में होती है, जहाँ पे टायर 1 में जाके अलग से पैसा लगाया जाता है, ठीक। एम्प्लॉय चाहे तो अपने मन से अलग से पैसा लगा सकता है, बट यहाँ पे गलत है, 50,000 की लिमिट है ही नहीं 80 CCD 2 में, तो ये डिपार्टमेंट का आंसर थोड़ा सा गलत है, चेंज होना चाहिए था, ठीक। और मेरे हिसाब से तो ऊपर का सॉल्यूशन जो टैक्स और टोटल इनकम और टैक्स की कैलकुलेशन है वो ही गलत है, होना ही नहीं चाहिए। स्टेप मार्किंग पे आप देख पा रहे हैं, आप जो हमारा सॉल्यूशन था ना उसमें आप देखेंगे हमने 1 या 1.5 पेज में कंप्लीट कर दिया था, काफी अच्छा सा क्वेश्चन था विद सारे नोट्स, बट यहाँ पे ना ये इतना लंबा जो कैलकुलेशन है, क्वेश्चन में पूछा ही नहीं SSC के, सॉरी जो भी एग्जाम एस्पिरेंट है वो कैसे बैठेंगे, मतलब कैसे कंप्यूट करेंगे, पूछा ही नहीं हुआ, इतनी चीज पूछी नहीं हुई, इसके नीचे के सारे नोट्स देने थे आपको, ठीक। तो ये सब भगवान भरोसे है, जाने कैसे चल रहा है, मेरे हिसाब से डिपार्टमेंट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, हमें कोई डाउट नहीं है, TDS का था सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो अकाउंट्स के ऊपर था, ठीक। इनकम टैक्स का ऐसे कोई रिलेशन ही नहीं है, या इवन कह सकते हैं UDC में अकाउंट्स का कोई रिलेशन ही नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वगैरह हम करते ही नहीं क्योंकि अकाउंट्स है ही नहीं, ठीक। तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए कि ये क्वेश्चन डाला क्यों गया था, मेरे हिसाब से तो गड़बड़ है, इसको चेक करके डालना चाहिए था, आउट ऑफ सिलेबस है, अकाउंट्स का क्वेश्चन है, इनकम टैक्स का क्वेश्चन है ही नहीं। अपन क्वेश्चन 8 आखिरी क्वेश्चन नंबर 8 उसके बारे में बात करते हैं। 80GG की कैलकुलेशन मुझे गलत लग रही है, आप लोग बताइएगा इसमें मैं सही हूँ या डिपार्टमेंट सही है, ठीक। अब 80GG में क्या है ना, हम लोग पढ़ते हैं 5,000 रुपये पर मंथ, 12 महीने का 60,000 रुपये होना चाहिए था, लोअर ऑफ कितनी रिडक्शन मिलती है, लोअर ऑफ 5,000 रुपये पर मंथ साल का 12,000।
और 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। सेक्शन को रीड कीजिएगा, वहां पे लिखा हुआ टोटल इनकम बिफोर अलाउइंग एनी डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। इसका मतलब एटीए कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम आप निकालिए, उसमें से जिस सारे डिडक्शन भी माइनस कीजिए, ठीक, तो उस सेक्शन का डिडक्शन छोड़ के जिस सेक्शन के लिए आप कंप्यूट कर रहे हैं एडजस्टेड टोटल इनकम, ऐसे ही तो निकालते थे, ठीक, तो वो यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए था, डिपार्टमेंट ने उसको नहीं किया हुआ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 25% होना चाहिए। हमारा जीटीआई आ रहा है 4,39,000 रुपये, 50,000 रुपये सेक्शन 80C का डिडक्शन है, वो माइनस होना चाहिए उसका 25%। तीसरी कैटेगरी होती है रेंट पे, यहाँ पे रेंट 49,600 रुपये पे किया हुआ है, उसमें माइनस करना चाहिए था 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। यहाँ पे 4,39,390 माइनस 50,000 रुपये होना चाहिए था, 10,661 में आंसर आना चाहिए था, 10,661, 60,097,000 और 10,661, 10,661, क्लियर है। चलो तो ये एक डिपार्टमेंट का थोड़ा सा करेक्शन है, मैं डिपार्टमेंट का आंसर भी आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे डिपार्टमेंट ना एडजस्टेड टोटल इनकम कंसिडर ही नहीं कर रहा, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है पूरा, मतलब 80G की जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे 25% जो लिया हुआ है ना वो केवल जीटीआई का ले लिया, ऐसा नहीं है, 80C की जो डिडक्शन है वो भी इससे माइनस होगी। आप प्लीज़ एक बार सेक्शन को रीड कीजिएगा। चलिए 80GD और 10% है उसमें भी 80GD की कैलकुलेशन होगी, रेंट पेड माइनस 10%, ठीक। चलो तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे 10,600 समथिंग कुछ आना चाहिए, क्लियर। तो ये पॉइंट है जनरल से, डिपार्टमेंट को कंसीडर करना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टैप मार्किंग इस बार अच्छे से फॉलो नहीं हो पाई होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट के सॉल्यूशन बहुत बड़े हैं जो कि पूछे नहीं है। 7 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन तो हटाई दीजिए, वो तो अकाउंट्स का सवाल ही पैदा नहीं था। 3 बचे हुए 7 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन जो है उसमें ऐसी चीजें सॉल्यूशन में है जो कि पूछी ही नहीं हुई है, जैसे कि ग्रॉस टोटल इनकम पूछा हुआ है आपसे, केवल टैक्स निकाल दिया हुआ है, डिडक्शन पूछा हुआ है वहाँ पे टोटल इनकम और टैक्स निकाल दिया हुआ है, मेरे हिसाब से इतना बड़ा, ठीक। तो ये प्लीज बहुत ज्यादा बड़े डाउट तो नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट को इस पर कंसिडरेशन अपना शो करना चाहिए, मतलब एक एटलीस्ट को कवर अप करना चाहिए। तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, रिप्रेजेंटेशन सब लोग डालिए। मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत इंपैक्ट जरूर आना चाहिए, स्टैप मार्किंग तो डेफिनेटली मिलनी चाहिए। और जिन लोगों जो लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए, एक रिक्वेस्ट है, कॉपी जरूर अपनी मंगवाइएगा और हो सके तो मेरे संग शेयर कीजिए। चलिए सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो आपके पास व्हाट्सअप नंबर है, आप सीधे पूछ सकते हैं, 8359933663, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर। आपको यदि ये फाइल दोनों फाइल नहीं मिली तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको शेयर कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।